This is Raven Beats. सो हे गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज रोहित एक्सपीट। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना हेल्दी हेयर सीक्रेट, कि कैसे मैं अपने बाल को मेंटेन करता हूं एंड मेंटेन करने के लिए क्या क्या करता हूं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आई होप गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे अपना हेयर ग्रो करें। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को जो ऑन कर ले, तो जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम दो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जेनेटिक। अगर आपके पिताजी का, अगर आपके दादाजी का बाल एकदम काफी ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग है, तो गाइस 50% चांस है कि आपका बाल भी हेल्दी होगा। सो चलिए गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं दो भाई हूं। मेरा बड़ा वाला जो भाई है उसका बाल काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा बाल झड़ता रहता है। मेरा जो बाल है काफी ज्यादा हेल्दी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि मेरे फादर का जो हेयर है काफी ज्यादा हेल्दी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड अभी तक उनका बाल नहीं झड़ा है। तो यही वो कारण है जिस कारण से मेरा बाल काफी ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग है, बट मेरे भाई का बाल एकदम हेल्दी नहीं है, उसका बाल एकदम झड़ता रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 50-50% का चांस होता है कि अगर आपके जेनेटिक का बाल एकदम हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो आपका बाल भी हेल्दी होगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। तो सेकेंड जो पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एंड्रोजन हार्मोन। जिस किसी के बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन कम होगा उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड जिसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका बाल एकदम काफी ज्यादा हेल्दी होता है एंड बहुत जल्दी से भी ग्रो करता है। तो गाइस, अगर आपके अंदर एंड्रोजन हार्मोन कम है, अगर आप चाहते हैं कि इस हार्मोन को आप इंक्रीज करें, ठीक है, तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? आप एक अच्छा डाइट लेकर एंड एक टैबलेट खाकर एंड्रोजन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपना एक हेल्दी हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। तो डाइट में आपको कौन कौन से लेना है? ग्रीन वेजिटेबल में जो भी हरा साग सब्जी है वो आपको खाना है। एंड सेकेंड जो है वो है फ्रूट। तो फ्रूट आपको ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है। ठीक है, एंड जो भी ऑयली फूड है, जो भी कचरा फूड है बाजार का, जो भी जंक फूड है उसे अवॉइड करना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो मैं बता रहा था वो है टैबलेट, जिसे आप खाकर एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ाकर आप एक अच्छा हेल्दी हेयर ग्रो कर सकते हैं, वो है बायोटीन। बायोटीन 1000 mg का एक टैबलेट आता है। तो मैं आपको एक अच्छे कंपनी का बायोटीन टैबलेट मैं आपको बता देता हूँ, वो आप जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, डाइट और ये टैबलेट दोनों साथ में लेने पे ये होगा कि आपका एंड्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड आप एक अच्छा हेल्दी हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। अब जो बात निकल कर आती है कि मैं अपने हेल्दी हेयर को कैसे मेंटेन करता हूँ एंड अपने मेंटेन करने के लिए क्या क्या करता हूँ। पहला स्टेप जो मैं फॉलो करता हूँ वह है डाइट। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट आपको भारी मात्रा में कंज्यूम करना है, तो गाइज वो डाइट मैं भी फॉलो करता हूँ। ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैं कंज्यूम करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड ही मैं लूँ। जो सेकेंड जो स्टेप मैं जो फॉलो करता हूँ वो है बाल को झाड़ना। ठीक है, मैं दिन में 2-3 बार अपने बाल को झाड़ता हूँ, एक सोने से पहले, ठीक है, एक मॉर्निंग में जब सोकर जब उठता हूँ तब, ठीक है, एंड एक स्नान करने के बाद 3 टाइम मैं अपने बाल को झाड़ता हूँ। ठीक है, तो जब मैं अपने बाल को झाड़ता हूँ ना तो एकदम धीरे धीरे कंघी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जब बाल जब बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ना बाल फंसने लगता है। लंबा बाल जब होता है तो थोड़ा थोड़ा बाल फंसने लगता है। अगर मैं जोर जोर से कंघी करने लगूंगा ना तो बाल टूटने लगता है। ठीक है, इसीलिए मुझे धीरे धीरे मुझे कंघी करना पड़ता है। तो मैं दिन में कम से कम 3 बार अपने बाल को झाड़ता हूँ ताकि मेरा बाल एकदम क्लीन रहता है। जो थर्ड स्टेप जो निकल कर आ रहा है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है अपने बाल में तेल लगाना। ठीक है, बाल धोने से एक दिन पहले नाइट में ही मैं अपने बाल में भरपूर मात्रा में तेल लगा लेता हूँ। बजाज अमल ड्रॉप जो तेल है मैं यूज़ करता हूँ। बाल के जड़ों तक अच्छे से तेल लगाकर उसे ये होता है ना कि तेल का जो भी न्यूट्रिशन है ना मेरे बालों के जड़ तक आराम से रात भर में पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे मेरा बाल हेल्दी रहता है। एंड गाइस, जो फोर्थ स्टेप है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है अपने बाल को वॉश करना। ठीक है, तो मैं अपने बाल को हफ्ते में तीन बार अपने बाल को वॉश करता हूँ, शैम्पू करता हूँ।
तो गाइज मैं कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ, वह है पंतजलि का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मुझे इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि जब मैं मार्केट में निकलता हूँ तो काफी ज्यादा धूल मिट्टी जो है मेरे बाल पे बैठ जाते हैं एंड उससे क्या होता है मेरा बाल एकदम इचिंग होने लगता है। मुझे सही लगता है कि पंतजलि एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज करना चाहिए, उससे ये होता है कि मेरा डैंड्रफ भी चला जाता है एंड बाल भी मेरा क्लीन हो जाता है एंड बाल भी एकदम सिल्की हो जाता है। तो गाइज एक शैम्पू से मेरा दो काम हो जाता है। शैम्पू करने के बाद मैं कंडीशनर यूज करता हूँ डव का, ठीक है। उसे क्या होता है कि बाल मेरा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, शैम्पू करने से बाल मेरा सिल्की हो जाता है एंड कंडीशनर करने से मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है जिस कारण से मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। सो गाइज मैं ये चार स्टेप फॉलो करता हूँ अपने बाल को हेल्दी रखने के लिए। ये थी आज की वीडियो एंड अभी भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट मुझे जरूर करें एंड गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके मुझे जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होगा कि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा